ऐसे करके मेरा सारा का सारा जो बिगिनिंग की एजुकेशन हुई ऐसे स्टार्ट हुआ। तो कोई ज्यादा मतलब मैं तो था ही नहीं एजुकेशन में, खुद मेरे फादर मैट्रिक पास करके एजुकेशन करके गए, सही है, मेरी नानी अनपढ़, मेरा दादा अनपढ़, मेरी दादी अनपढ़, तो उनके सामने तो मतलब मैं अंधों में गाना रहता था, एफ4NR लिख पाता था, ठीक है ना। तो ऐसे करके जीवन सारा चल रहा था। तो जैसे जैसे इस बिजनेस में शुरुआत की, मेरे फादर की अचीवमेंट्स आई, उन्होंने सोचा कि यार मैं पढ़ पाया नहीं पढ़ पाया, क्योंकि आज यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स को देख पा रहे हैं, आपके पास जो चीज में बच्चों को वो दिलाना चाहते हैं नहीं चाहते, yes! तो उनको ये पता था कि ये चीज कभी छीन नहीं सकती, आज जीरो बटा नील बटा सन्नाटा हो जाए तो मैं जीरो से स्क्रैच से इस बिजनेस को उठा सकता हूँ, या अपनी एजुकेशन के बेसिस पे, जैसे वो जो कागज फर रहा है उसको जला दो, लेकिन जो दिमाग के अंदर वो छीन सकता है क्या? नो, द स्किल्स कांट बी इनहेरिटेड, यू गॉट टू लर्न देम, यू गॉट टू इन्वेस्ट इन देम। Yes, yes. Yes. तो ऐसे शुरुआत हुई। नेक्स्ट स्लाइड, ऐसा कोई स्कूल था मतलब ये ओरिजिनल में पिक्चर नहीं देख पाया, क्योंकि अभी उसकी जगह बहुत सारे मतलब किराए के मकान बन गए, जहाँ पहले स्कूल होता था फटा दरवाजा होता था, लेकिन एक अच्छी बात थी कि वहां से रोज नई नई चप्पलें पहन के आता था, ठीक है, तो कभी किसी की चप्पल कभी किसी की ऐसे होता था। और टीचर्स की बात करें तो सर वीडियो प्ले करता था, आवाज आ रही है कैसे, वो माइक नहीं लगाया, कोई नहीं इसको छोड़ो, ये फिर ये क्लिप आप बाद में देख लेना सर, स्किप करो इसको। तो उसके बाद ऐसे ही एक अच्छा उनका लगा कि हाँ इस बिजनेस में कुछ हो सकता है, तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसे राम भरोसे छोड़ के किया नहीं जा सकता, तो मेरे फादर ने मेरी मदर ने जो टीचर भी थी उन्होंने सोचा कि अगली कॉलोनी में जो एक ठीक ठाक स्कूल है, अभी तो ये रेनोवेटेड है शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लेकिन वो रेनोवेटेड नहीं था उस टाइम पे, मेरे को पता है क्या हालत थी, एक बार तो मैं बैग लेके गया था वहां और शाम को उल्टा आया तो उसमें सांप था, सही है, इतना स्प्लोटिया, तो ऐसा स्कूल था, आप इमेजिन कर लो, ठीक है, खाली हाथ जाओ सांप लेके आओ, पढ़ाई कुछ करो या ना करो, तो ऐसा स्कूल था। अभी तो हालांकि वो रेनोवेट करवा दिया है हमारे हिसाब ने, तो हिंदी मीडियम स्कूल में चौथी क्लास तक मैं पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड। और उसके बाद जैसे ही इस बिजनेस में डेवलपमेंट्स आई, आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारे लीडर थे, कोई रेड क्लब लीडर कोई ब्लू क्लब लीडर आ रहे हैं, ऐसे डेवलपमेंट आई लीडरशिप में, लोगों को देखा कि हाँ इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं, तो उन्होंने सोचा हिंदी मीडियम को तो हम सीमित हैं और इसका हाल क्या होगा हिंदी मीडियम में मैं देख ही पा रहा हूँ,